हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम श्रावस्ती में स्थित गौतम बुद्ध भगवान के मठों में से एक मठ के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध भगवान श्रावस्ती मठ में सबसे ज़्यादा समय तक रहे। श्रावस्ती में स्थित इन मठों को हम आप लोगों को दिखाएंगे। Thank you.
इस समय हम लोग श्रावस्ती में पहुंच चुके हैं। यह स्थल श्रावस्ती के कटरा बाजार में स्थित है। इस स्थल को उंगलीमार गुफा कहा जाता है। इसे आप लोग देख सकते हैं यह गुफा किस तरह का बना हुआ है। इस गुफा की लगभग ऊंचाई 25 से 30 फुट होगी। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 से 6 एकड़ तक होगा। दूसरा गेट और इसके अंदर जब आप लोग जाएंगे तो अगल बगल भी कई सारे गुफा जैसा बना हुआ है, मतलब अंदर बिल्कुल रहने लायक है। और जो लोग इसी में अपना खाना वगैरह सब कुछ बनाते थे और रहते थे, और उनकी ज़िंदगी क्या ही होगी पता नहीं। आप लोग सपोज कर देखिए, तेरे तेरे होते हैं किसी का वाह भाई। रामलाल जी आप बताइए, आपको इस जगह के बारे में कुछ पता है? नहीं पता सर जी, नहीं पता है। आप लोग देख लो इधर, ये पहाड़ जैसा बना है आकृति। यह स्थल उंगलीमार गुफा के पूर्व की ओर लगभग 20 से 25 मीटर की दूरी पर है। यह स्थल उंगलीमार गुफा का भाग इसकी ऊंचाई 15 से 20 फुट होगी। इस स्थल के ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा।
62 है, फिर 60 हुई है, बनाई भी नहीं कभी। इस स्थल को ओणाझार कहते हैं। इस पर लोगों को चढ़ने दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि यह स्थल कितना ऊंचा है। इसकी ऊंचाई लगभग जमीन से 50 फीट होगी। इस स्थल से नीचे देखने पर लगता है कि हम बहुत ऊंचाई पर हैं।